हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम भाषा पर चर्चा कर चुके हैं, शिक्षण पर चर्चा कर चुके हैं, शिक्षण सूत्र पर चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा, और यदि नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे खुलकर भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर चर्चा करना। अगर हम भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करते हैं तो सभी विषयों और भाषाओं के शिक्षण सिद्धांत एक जैसे होते हैं। कुछ प्रमुख भाषा शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, यानी कि हम यदि शिक्षण के सिद्धांतों की बात करते हैं तो सभी विषयों के और भाषाओं के शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम जिन पर चर्चा करेंगे। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस थ्योरी का उद्देश्य है करके सीखो। ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं जब भी कि पहले करने को बोलते हैं कोई कार्य को, और हम ये हमारी मान्यताएं भी हैं कि कोई भी कार्य हम करके ही सीखते हैं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी इसी थ्योरी पर आधारित है कि करके सीखना। बच्चा इस सिद्धांत के अनुसार जल्दी सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे से प्रश्न पूछना, स्कूल में साहित्यिक कार्यक्रम चलाकर पाठ का अभ्यास कराना, बच्चों को लिखित एवं मौखिक कार्य करवाकर क्रियाशील रखा जाता है। फ्रोबल, डीबी, गांधी पार्क, मॉन्टेसरी, ईस्ट आदि शिक्षा शास्त्रियों ने इस सिद्धांत पर बल दिया। यानी जो करके सीखना और जो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इन सभी विशेषज्ञों ने भी इस सिद्धांत पर बल दिया है। करके बच्चा जल्दी सीखता है, इसलिए आजकल स्कूलों में ड्रामा इन सब में भी के द्वारा भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये क्रिया करके क्रियाशीलता द्वारा वो जल्दी सीखते हैं। अभ्यास का सिद्धांत। बालक किसी भाषा को बोलने तथा लिखने का जितना अधिक अभ्यास करता है वह भाषा उतनी ही सशक्त हो जाती है। बोलने और लिखने का जितना भी अभ्यास आप करेंगे आपकी भाषा उतनी ही अच्छी होगी। जब स्कूलों में हम शुद्ध लेख या फिर आंसर क्वेश्चन लिख के लाने के लिए बच्चों को कहते हैं, कक्षा में पूछते हैं, दोहरवाते हैं, पाठ को कक्षा में पढ़वाते हैं, तो ये सब अभ्यास के सिद्धांत का ही हिस्सा है। अभ्यास करने से भाषा की अशुद्धता भी दूर हो जाती है। थंडाई के अनुसार भाषा एक कौशल है जिसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है, अतः अभ्यास के द्वारा ही भाषा सुगम, सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली होती है। थंडाई ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा है कि भाषा एक कौशल है जिसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। यानी कि आप जितना आपका अभ्यास होगा उस भाषा पर आपकी उतनी ही पकड़ होगी और रुचि भी होगी। जब आपको कोई चीज़ आने लगती है तो आपकी आपकी उसमें रुचि भी बढ़ जाती है। फिर अनुबंध या सहचर्य का सिद्धांत। शिक्षा शिक्षण में यदि बच्चे के सामने बोले जाने वाले शब्दों से संबंधित व्यक्ति या वस्तु प्रत्यक्ष रूप से विद्वान हो तो उसे आसानी और शीघ्रता से भाषा सीख सकेंगे। इसलिए जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो का कबूतर के साथ का कबूतर का चित्र देखते हैं। यानी कि यदि हम कोई भी बच्चे को कोई भी शब्द सिखा रहे हैं, यदि उसका हम प्रतिमान दिखा दें, चार्ट दिखा दें, मॉडल दिखा दें, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है कि हमको का कबूतर का सिखाना है, तो हम कबूतर का चित्र उसके साथ रहता है, बुकों में भी रहता है, कक्षा में भी दिखाएं, तो वो जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार बच्चे को भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष वस्तु, चित्र, आकृति आदि दिखाकर उन्हें सहचर्य का अवसर दिया जाता है। फिर है अगला अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। शिक्षण कार्य सदैव बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह पाठ योजना को रुचिकर बनाए ताकि बच्चे सीखते समय अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मैं जब लेसन प्लान भी बताती हूँ तब भी आपको बताती हूँ कि पाठ योजना का जो हम निर्माण करते हैं उसमें हमको रुचिकर तरीके से करना चाहिए। खासकर प्राइमरी लेवल के जो हम लेसन प्लान भी बनाते हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है कि शिक्षण बिंदुओं को ऐसे चुने, इस तरीके से शिक्षण सामग्री चुने जिससे आप पाठ को रुचिकर बनाएं। तो यहाँ पे भी अभिप्रेरणा व रुचि के सिद्धांत भी इसी पर आधारित है कि शिक्षण कार्य सदैव बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह पाठ योजना को रुचिकर बनाए ताकि बच्चे सीखते समय उस अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में कहानी, कविताएं, पहेलियां आदि को शामिल कर सकता है।
बच्चों में प्रतियोगिता के द्वारा, अंताक्षरी द्वारा, चित्र या मॉडल दिखाकर भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही शिक्षण कार्य को लक्ष्य निर्धारित बनाया जा सकता है। पठन के समय दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करने से भी बच्चों की रुचि बढ़ती है। यानी हम दृश्य श्रव्य सामग्री दिखा देते हैं, कविताएं, पहेलियां बता दी, हमने कहानी बता दी, हमको नैतिक शिक्षा देनी है तो हम उनको कहानियां सुना देते हैं। इस तरीके से आप उनकी प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कक्षा रूम में, अलग अलग मॉडल चित्र दिखाकर, अलग अलग बातें बोलकर। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण तो हर भाषा विषय को सीखने का पहला सिद्धांत है। सबसे पहले बच्चा अनुकरण द्वारा ही सीखता है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से में जो भाषा सुनने को मिलती है वे उसी भाषा को सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता, परिवारजनों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ही अनुकरण करते हुए उसी भाषा को सीखते हैं। यदि अन्य व्यक्ति अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चा भी अशुद्ध भाषा का प्रयोग सीखता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चे के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करें और उसकी भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करें। अनुकरण के सिद्धांत के कारण बच्चा पहले परिवार में अपनी मातृभाषा सीखता, अपने आजू बाजू की भाषा सीखता है, सबसे वो भाषा का अर्जन करता है। और यहीं पर भाषा की बोली और अशुद्धि के कारण वो अशुद्ध शब्द सीख जाता है। तो हम शिक्षक का ये कर्तव्य है कि हम कक्षा में उनको शुद्ध, हम शुद्ध उच्चारण करें और उनको भी शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करें। जैसे थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, तो वो अपने गाँव वाली भाषा बोलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र है मान लीजिए, तो वहाँ की बुंदेलखंडी बोली होती है हिंदी भी। तो इस तरीके से निमाड़ी क्षेत्र की हिंदी अलग होती है, तो वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बच्चा पहला सीख जाता है। तो हमको कक्षा में शिक्षकों का दायित्व है कि वो उन्हें शुद्ध उच्चारण सिखाए और उनकी जो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो दूर करें। बोलचाल का सिद्धांत। प्राचीन समय में जब एक शिक्षक बच्चे को भाषा सिखाता है तब वह बोलता है तथा अन्य सभी छात्र मौन रहकर केवल सुनते थे। यानी प्राचीन काल में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते थे, पहले जब तक शायद हमने भी पढ़ाया तो ऐसे ही हुआ है कि अब तो शिक्षा की टेक्निक बहुत बदल गई है, लेकिन पहले ऐसे ही हुआ कि शिक्षक बोलते थे, बच्चे सुनते थे, अन्य सभी छात्र मौन रहकर सुनते थे। परंतु वर्तमान समय में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। छात्र बीच बीच में बोलकर अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है। प्राचीन समय में छात्र मौन रहते थे अर्थात निष्क्रिय रहते थे, केवल शिक्षक ही सक्रिय होते थे। वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार भाषा सीखते समय शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय होना चाहिए। यानी कि पहले क्या होता था कि शिक्षक ने पढ़ा दिया, और बहुत प्राचीन काल में तो बच्चों को पूछने का ही वो नहीं होता था, सिर्फ उन्होंने पढ़ा दिया और बच्चों ने पढ़ लिया, जितना उनको समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया। फिर थोड़ा और टेक्निक बदली शिक्षा की, तो ऐसा हो गया था कि शिक्षक पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, बाद में बच्चे कुछ पूछ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों एकदम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, दोनों क्रियाशीलता के द्वारा कार्य करते हैं, सीखते हैं, बच्चों की एक्टिविटी द्वारा ही आजकल शिक्षक सिखाते हैं। वो भी उनसे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उनसे प्रश्न पूछते हैं, सवाल जवाब के माध्यम से भी सीखते हैं। तो यही इस थ्योरी के अंतर्गत है कि बोलचाल का सिद्धांत। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने पूजा बुक से लिया हुआ है पूरा टॉपिक। आप चाहें तो आप भी ये बुक यदि लेना चाहें, परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक की डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको बुक की सैंपल कॉपी भी मिलेगी, उसे देख सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर और उसकी डिटेल्स भी हैं, उससे देखकर आप मंगा सकते हैं। मैंने भी व्हाट्सअप करके ही ये बुक्स मंगाई हैं। अभी मैं आपके साथ एक बुक शेयर कर रही हूँ, मैंने कुछ 3 या 4 बुक और मंगाई हैं जिसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा मटेरियल है। वो मैं वो भी धीरे धीरे आपके साथ जैसा मुझे समय मिलता है वैसा शेयर करूँगी। आपको बुक की लिंक, और आप ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह से भी खरीद सकते हैं, और ये ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे देखते हैं, उसके अनुसार पढ़ने तथा लिखने की अपेक्षा बोलने से भाषा को सीखा जा सकता है। इसके अंतर्गत शिक्षक कहानी, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, संवाद, कविता, घटना वर्णन, स्वरपाठ आदि की सहायता से बच्चों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, बालाघात आदि के साथ भाव अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित कर सकते हैं। कॉमेनियस या जॉन लॉक के अनुसार भाषा को पहले बोल
चाल के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए, इन्होंने बोला है। और ये वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध भी है कि पहले बोल चाल द्वारा हमको पढ़ाना चाहिए, वो हमारा सबसे अच्छा माध्यम है। यानी पहले हम उनको बोलना ही सिखाएं। कक्षा में भी आप देखते होंगे, यदि आपने छोटी क्लास को पढ़ाया होगा या पढ़ाते देखा होगा, कि पहले शब्दों को सिर्फ दोहरवाया जाता है कक्षा में, फिर उसके बाद उनको, यानी पहले बोलना सिखाते हैं, उसको पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद लिखना सिखाते हैं। बोलचाल के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का उच्चारण सुधरता है तथा लय भी सटीक होती है। इसके द्वारा भाषा को सीखने का में कम समय लगता है और प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसके द्वारा बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है। आगे का पॉइंट है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखी हुई बात को जितनी अधिक दोहराते हैं वह उतने ही अधिक समय तक याद रहती है। यानी कि हम जितनी बार जिस चीज़ की आवृत्ति करेंगे, जितनी बार जिस चीज़ को दोहराएंगे, उतना ही आपको वो चीज़ याद होती जाएगी। मान लीजिए अभी हम ये आवृत्ति का सिद्धांत है, इसको हम 4 बार दोहरा देते हैं तो आपको अभी की अभी याद हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखी हुई बातों को जितना अधिक दोहराते हैं वो उतने समय तक याद रहती है। किसी भी पाठ को बार बार दोहराने से वह लंबे समय तक याद रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम स्थायी व सार्थक बनता है, इसीलिए आवृत्ति को स्मृति में माता पिता की संज्ञा भी दी गई है। आवृत्ति का सिद्धांत यानी वही हुआ सरल और स्पष्ट शब्दों में कि जिस चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है और वो हम कभी नहीं भूलते। तो इसलिए हमको बार बार पढ़ना और बार बार दोहरवाना बच्चों को सिखाना चाहिए। परिपक्वता का सिद्धांत। छोटे बच्चे की स्वयं की जीभ, होंठ, तालू आदि पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उच्चारण को वह शुद्धता से नहीं कर पाते, परंतु धीरे धीरे कुछ समय पश्चात वे परिपक्व होने लगते हैं और जीभ, होंठ, तालू आदि ये सभी उच्चारण स्थानों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और वह सभी शब्दों को शुद्धता से उच्चारण करने लगते हैं। ये हुआ परिपक्वता का सिद्धांत, यानी कि पहले वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं लेकिन बाद में वो जैसे उनके परिपक्वता आ जाती है तो अपने आप वो सही उच्चारण करने लगते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको उनको बार बार उसका सही उच्चारण करवाना पड़ता है, अभ्यास कराना पड़ता है, तब वो सही उच्चारण कर पाते हैं। फिर है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। किसी भी भाषा को सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। इस क्रम के अनुसार यदि भाषा को सिखाया जाता है तो वह भाषा आसानी से सीख सकते हैं। भाषा को सीखने का निश्चित क्रम है, पहले श्रवण, यानी सबसे पहले जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पहले सुनता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और आखिरी में लिखना सीखते हैं। तो पहला है श्रवण। सर्वप्रथम बच्चा बात को या भाषा को सुनता है और उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है। फिर अभिव्यक्ति या बोलना। किसी भी भाषा को सुनने के पश्चात बच्चा उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है और वह स्वयं मन में भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। फिर है पठन वाचन। सुनने तथा बोलने के पश्चात बच्चा भाषा को पढ़ना सीखता है। लेखन। सुनने, बोलने तथा पढ़ने के पश्चात बच्चा उस भाषा को लिखना भी सीखता है। इस प्रकार के भाषा को सीखने का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। ये क्रम भी पूछा जाता है कि सीखने का सही क्रम क्या है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है, आपको टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। यदि आप DLED कर रहे हैं तो उसमें भी थ्योरी में आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत बड़े बड़े 4 टॉपिक्स हैं। जीवन का समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक इस बात को भी मानता है कि यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण देते हैं तो बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए शिक्षक ऐसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें जो उदाहरण दें जो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित हो। यानी कि हम यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं और हम कोई चीज़ उनको समझा रहे हैं तो हमको वही शब्द उदाहरण के लिए लेना चाहिए जिन शब्दों से वो दैनिक जीवन में परिचित हों। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। बच्चों को केंद्र मानकर अपनी सभी योजनाएं बनानी चाहिए। भाषा शिक्षण में बच्चों की रुचि, क्षमता, स्वभाव, स्तर, बौद्धिक एवं मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है ताकि बच्चों भाषा का को आसानी से सीख सके। यानी हमारी सारी पाठ्य योजना, हमारी सारी प्रस्तुतिकरण
सब कुछ बाल केंद्रित होना चाहिए, उन्हीं की रुचि के अनुसार होना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हमको कुछ आता है तो हमने फटाक से बता दिया, नहीं, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार कि वो कितना गेन कर पाएंगे उसी अनुसार हमको सिखाना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, यदि भाषा शिक्षण का कार्य शिक्षण सूत्रों के अनुसार किया जाए तो बच्चे आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। कुछ सामान्य शिक्षण सूत्र इस प्रकार हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर हमने पिछला वीडियो बनाया है, यदि आप ये सारे सूत्र समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत यही है कि उनके अनुसार यदि पढ़ाते हैं तो बच्चा भाषा आसानी से सीख जाता है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें उनको कोई ज्ञात चीज़ दिखा के उसके अज्ञात की ओर ले जाएं, सरल से कठिन की ओर पहले इजी चीज़ बता दें, फिर उसके बाद हम उसको उनको डिफ़िकल्ट वाली चीज़ बताएं जिनको वो थोड़ा देर में सीखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन से निगमन की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सारे शिक्षा सूत्र हैं। ये मैंने बहुत डीपली समझाए हैं आपको, आप प्रीवियस वीडियो से देख के समझ सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एक कक्षा में छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कोई बच्चा साफ नहीं बोलता, कोई सुन नहीं सकता, किसी की लेखन संबंधी अशुद्धियाँ हैं तो कोई मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक को प्रत्येक छात्र पर ध्यान देकर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना ज़रूरी है, तभी वे भाषा शिक्षण को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि हमको ये भी ध्यान देना है, जैसे कोई बच्चा कम सुन पाता है तो हमको सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा करना है कि वो आगे बैठे तो उसको हमारी बोला हुआ अच्छे से सुनाए। किसी को देखने में परेशानी है ब्लैक बोर्ड पर तो उसे भी आगे बैठाएं जिससे वो ब्लैक बोर्ड पर देख सके। कोई धीमा सीखता है तो उसके पास जाकर उसको देखना कि वो लिख पा रहा है कि नहीं, सीख पा रहा कि नहीं। तो सभी पे हमको ध्यान देना है, एक जो बच्चा जल्दी सीख जाता है और उसके बाजू में एक धीमा गति वाला बालक बिठाएं जिससे वो उसकी मदद कर सके, आप भी करें, उसको भी प्रेरित करें। इस तरीके से बच्चों पर आपका ध्यान केंद्रित रहे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही है कि हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है और अलग अलग उसकी क्षमता होती है, तो वो हम भिन्नता के अनुसार हमें उन पर ध्यान देना है। चयन का सिद्धांत, यह कार्य शिक्षक का होता है, वह भाषा शिक्षण के को आसान व सुगम बनाने के लिए कौन से समय किस विधि का प्रयोग करे जिससे बच्चे को भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि ये चयन का सिद्धांत यही है कि भाषा शिक्षण को कैसे हम सरल बनाएं, किस विधि का हम प्रयोग करें, ये सब हमारे ऊपर है, और किस तरीके से हम बच्चों को उसका लाभ दे सकें और स्वयं उसका लाभ ले सकें प्रक्रिया द्वारा सिखाने में। शिक्षक को शिक्षा संबंधी सिद्धांत व पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, शिक्षण कार्य पूर्ण से पूर्व ही शिक्षक का पाठ के उद्देश्य का जानना जरूरी है। इस उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए शिक्षक सामग्री का भी बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए। हम आपको लेसन प्लान में भी बताते हैं कि हमारे को हम ये पाठ या ये हम विषय क्यों पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमें इनके उद्देश्य पता होना चाहिए। यदि हमको उद्देश्य पता नहीं है तो हम किस उद्देश्य से कक्षा में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर हमें बच्चों उसके लिए सहायक सामग्री भी चाहिए होती है, चाहे वो चौक हो, चार्ट हो, संकेतक हो, बुक हो, मॉडल हो, कोई भी हो, लेकिन हमको वो सारी चीज़ों का चयन करना पड़ता है कि आज हम ये पाठ पढ़ा रहे हैं तो हमको इस चीज़ का उपयोग करना है। फिर उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो उनकी आयु के अनुसार हो, तो ये सभी ध्यान हमको रखना पड़ता है। शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी विषय को सामान्य रूप से महत्व देना आवश्यक है। भाषा शिक्षण में बच्चों के कौशल, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति का विकास करना ही उद्देश्य होता है। यहाँ पे हमारे ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।